देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 138वां स्थापना दिवस पूरे देश में मना रही है। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी स्थापना दिवस मनाया। धनबाद निरीक्षण भवन में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे। जिला अध्यक्ष संतोष सिंह ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को गुलदस्ता देकर उन्हें सम्मानित किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्थापना दिवस मना रही है, सभी कांग्रेसी संकल्प लेते हैं कि 2024 में धनबाद में कांग्रेस विजयी होगा और देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। साथ ही कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय में धनबाद जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना हूँ। पार्टी को गांव-गांव तक मजबूत बनाने का संकल्प के साथ और सभी लोग अनुशासित होकर कांग्रेस को धनबाद में मजबूत करने का काम करेंगे। कांग्रेस का आज 138वां स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कुछ आप लोग यहाँ पर प्रण ले? कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग सभी लोग संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला समय में सब हम लोग कांग्रेस का कार्यकर्ता साथी सब एकजुट होकर के 2024 के चुनाव की तैयारी करें। और यहाँ धनबाद में बहुत चुनौतीपूर्ण माहौल में मैं जिला अध्यक्ष बना हूँ और मैं इसी प्रयास में हूँ कि अनुशासन में रह करके कांग्रेस को गांव-गांव तक बूथ तक हम कांग्रेस को मजबूत करें। और आपने देखा होगा, हमने स्पष्ट कहा कि अनुशासनहीन लोगों के को कांग्रेस में कोई जगह नहीं है और अनुशासन में रहेंगे तब हम संगठन को मजबूत कर पाएंगे। और आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि 2024 में आने वाले समय लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, कांग्रेस का परचम धनबाद में लहरे और लहरेगा। हम लोग पूरे नए साल में पूरे गांव ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव में कस्बों में संदेश के साथ हम लोग कांग्रेस को क्या क्या आज कार्यक्रम होना है? कार्यक्रम है वो ब्लड डोनेशन भी कार्यक्रम चल रहा है। सब लोग हम लोग बैठ करके एक दूसरे का विचार सुनेंगे और उसको जो अच्छे विचार आएंगे उस पर हम लोग काम करेंगे, संगठन की मजबूती की दिशा में काम करेंगे। सीनियर नेता लोग भी आए, सारे सीनियर नेता लोगों को सम्मानित किया गया है, बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस की परंपरा रही है कि अपने सब बुजुर्ग लोगों को सम्मान।